दोस्तों ये जो आपको मार्केट दिखाई दे रही, यहाँ पर जींद राशत का बहुत ऐतिहासिक बहुत बड़ा 7 एकड़ में किला होता था। इस किले से रानी सुरंग के जरिए नहाने के लिए जाती थी और वहीं पूजा पाठ करके वापस किले में आ जाती थी। आपको वो मंदिर भी दिखाएंगे, ये वो ऐतिहासिक मंदिर है, ये है वो राम का मंदिर, श्री राम मंदिर दरबार। ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, आइए आपको इसका अंदर का भी आपको दृश्य दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और ये कितना भव्य मंदिर है और इसकी कितनी बढ़िया डिजाइन है और यहाँ पर हर समय ज्योत जगती रहती है। देखिए इसका बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। अब किला तो रहा नहीं, केवल पुराने टाइम का ये मंदिर बचा है ऐतिहासिक के तौर पे। दोस्तों ये वो सुरंग है जहाँ पर रानी अंडरग्राउंड नहाने के लिए तालाब में जा करती, फिर वापस इसी सुरंग के जरिए इस मंदिर में आ करती। अब टाइम को देखते हुए ये सुरंग बंद कर दी है, इसमें काफ़ी चमगिदड़ हो गए थे और ये खंडर का रूप धारण भी कर चुकी थी। हमारे साथ इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे और इस मंदिर के बारे में पूरी वो जानकारी भी देंगे। हाँ जी, जय सियाराम जी। जय सियाराम जी। पंडित जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम जी सन्नी कौशिक है जी। और कितने वर्षों से यहाँ रहते हो? मैं यहाँ 5 साल से हूँ जी। 5 साल से। पंडित जी ये जो मंदिर है ये कितना पुराना है? ये कम से जी 300 साल पुराना मंदिर है। 300 साल पुराना। और यहाँ पर रानी पूजा पाठ के लिए आती थी? हाँ जी, यहाँ पे रानी पूजा पाठ के लिए आती थी जी और रोज़ आती थी। रोज़ आती थी। क्या नाम था जी उस रानी का? रानी का नाम था रानी रतन कौर साहिबा जी। रतन कौर साहिब। पंडित जी एक बात और बताइए, जब तालाब में नहा के आ करती तो वो सुरंग आप बंद कर दी, क्यों कर दी? क्योंकि वो सुरंग ख़राब हो चुकी थी और उसमें जैसे जानवर वगैरह कोई और ऐसी चीज़ें ना आ जाए, इसलिए वो बंद कर दी थी। और पंडित जी यहाँ आरती दोनों टाइम होती है? हाँ जी, यहाँ दोनों टाइम आरती होती है, सुबह भी और शाम को भी। हाँ जी, देखिए पंडित जी ने यहाँ की हमारे को जानकारी दी, पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये हैं वो ऐतिहासिक बुर्दी, ये भी बहुत प्राचीन बुर्दी हैं और इनका नज़ारा देखिए, ऐसी बुर्दी आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। ये है CSR मॉल। दोस्तों रात्रि के 8 बजे हैं और हम खड़े हैं जींद रानी तालाब पर। यहाँ पर एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है जो रात के समय फूलों की बरसात करता है और रंग पर रंग दिखाता है। दोस्तों उस जगह हम पहुंच गए हैं जिसकी हमें इंतज़ार थी, जहां पर रंगों की बरसात होती है रात्रि के टाइम में। ये है श्री भूतेश्वरी मंदिर, यहां पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और इस रात्रि के आंध का मज़ा लूटते हैं। यहाँ रंगों पर रंग बिखरते हैं, जैसे बरसात होती है मूसलाधार, इसी तरह रंगों की यहाँ बहुत भारी बरसात होती है। दोस्तों ये 10-10 सेकंड में रंग बदलता है, इसका कितना बढ़िया रंग है। ऐसा नज़ारा तो अक्षरधाम मंदिर में भी नहीं है जो जींद में है। जो होता है लंदन में वही तो जट जींद में होता है। क्या करेगी मुथरा काशी, हम हैं जींदवासी। आपको इस जींद राशत का इतिहास बताते हैं, या फूल सिंह राजा के नाम होती थी और इसको फुलकिया स्टेट भी बोलते थे। और ये जो मंदिर है राजा
गजपत सिंह ने बनवाया था, वो सुखचैन के पुत्र थे। और आपको ये दिखा दें, यहाँ की जींद मार्केट जो है वो पूरी दिखाई देती है। देखिए इसका कितना बढ़िया सुंदर नज़ारा है। और इस तालाब का बहुत पवित्र जल है और यहाँ काफ़ी किश्ती का आनंद उठाते हुए श्रद्धालु। एक जींद राशत की एक विशेष बात और बताते हैं, एक भगवती लेडी जो होती थी वो बहुत बदमाश थी, वो जींद की राशत मांगी थी। जींद के राजे का एक नियम था, जो भी चोर यहाँ आएगा उसको जेल में डाला जाएगा और 6 महीने के बाद उसको पूछा जाएगा यहाँ किस काम के लिए आया था, क्यों आया था। तो राजा ने उस भगवती को यहाँ पर 6 महीने जेल में डाला और भगवती ने कहा मेरे को एक बार राजा से मिलवा दो। राजा ने मिलने से इनकार कर दिया, ऐसा कठोर राजा था यहाँ पर, और वो अंग्रेज़ों से भी नहीं डरता था। और आपको बता दे वो सिंधु गोत्र के जाट राजा होते थे, राजा गजपत सिंह। देखिए ये है इस मंदिर का गुमन और ये है दक्षिण साइड का भाग इस पवित्र मंदिर का, और ये है पूर्व साइड का भाग। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया गुमंद बना हुआ है और यहाँ देखिए काफ़ी फुहारे भी लगे हुए हैं, बारिश होने के कारण ये चल नहीं पा रहे, ये भी बहुत ही बढ़िया फुहारे हैं। और ये है पूर्व साइड का भाग इस मंदिर। देखिए यहाँ पर काफ़ी नौजवान भी आते हैं इस मंदिर में अपनी एक आस्था की आस लेकर, और इनकी माता आस्था पूरी करे, ये स्टूडेंट इसी भावना से मंदिर में आते हैं। और ये है इस मंदिर का उत्तर साइड का भाग, देखिए बहुत ही बढ़िया नज़ारा, रंगों पर रंग, ऐसा रंग बखेरतवा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी काफ़ी ऐतिहासिक मूर्ति हैं, ये हैं सीता रामचंद्र जी। देखिए ये है वो ऐतिहासिक मंदिर जहाँ पर रानी सुरंग के जरिए इस मंदिर में भी आ करती और शिव महाराज की वो अति पूजा किया करती थी शिव। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं और अपनी मंगत मांगते हैं और शिव भगवान उनकी पूरी करता है। ये दिखाया हमने जींद के पवित्र मंदिर का दृश्य। देखिए यहाँ पर हमारे साथ एक पंडित जी जुड़े हैं, उनसे भी इस मंदिर के बारे में यहाँ की जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपका शुभ नाम जी? विशाल वशिष्ठ। वशिष्ठ जी, पंडित जी ये बताइए आप कितने साल से यहाँ विराजमान हैं? ऐसा है जी, हमारी यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। अच्छा, सेवा कर, पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये जो पवित्र मंदिर है कितने साल पुराना है? ये 1853 में बना था जी। 1853 में। और ये भी पता है आपको किस राजा ने बनवाया है? ये राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया। राजा रघुवीर सिंह ने। और यहाँ पर आरती दोनों टाइम होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए पंडित जी ने बताया ये राजा रघुवीर सिंह ने बनाया था और आरती दोनों टाइम होती है और ये बहुत ही ऐतिहासिक और पवित्र मंदिर है जींद का। बहुत धन्यवाद। ये दिखाया हमने जींद तालाब का रंग बिखेरते हुए मंदिर का दृश्य। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो एक सब्सक्राइब एक लाइक करना ना भूले। मैं हूँ टोरा टीवी के साथ ऋषि पाल दून। जय हिंद।